नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनडीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अर्चना कौशल, जो आपके लिए लेकर आती है हर बार कुछ खास और स्पेशल स्टोरीज। तो दोस्तों, आज की हमारी स्पेशल स्टोरी में आपके लिए है कुछ स्पेशल। अब स्पेशल है वो तो हम ऐसे नहीं बताएंगे, उसके लिए आपको देखनी पड़ेगी हमारी ये स्टोरी। चुनाव से पहले केंद्र सरकार छोटे और मझोले कारोबारियों के लिए एक बड़े राहत पैकेज का ऐलान करने वाली है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक 2 नवंबर को प्रधानमंत्री इसका ऐलान कर सकते हैं। ये ऐलान सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक MSME के लिए सस्ते ब्याज पर कर्ज देने, ब्याज में मिलने वाली छूट बढ़ाने, MSME के प्रोडक्ट खरीदने को प्रोत्साहन देने, छोटे मझोले यूनिट पर सब्सिडी बढ़ाने और छोटे मझोले कारोबारियों को हाथों हाथ कर्ज देने के ऐलान हो सकते हैं। इस बारे में चुनाव आयोग से मंजूरी ली जाएगी। छोटे कारोबारियों के लिए हाल ही में ये था कि कई फैसले सरकार छोटे कारोबारियों के 1 घंटे के भीतर कर्ज देने के लिए MSME पोर्टल का दायरा बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। छोटे कारोबारियों को कर्ज देने के लिए नया वेब पोर्टल शुरू कर दिया गया है। जल्द ही पोर्टल और भी विकल्प मौजूद करेगा। इसमें आपको पर्सनल लोन, आवास ऋण देना शामिल होगा। पेटीएम इस्तेमाल करने वालों के लिए भी एक बड़ी खबर है। आपको बता दें कि MSME पर सरकार का फोकस है। MSME सेक्टर सरकार के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि ये क्षेत्र देश में सबसे ज्यादा रोजगार पैदा करती है और मंत्री ने कहा है कि इस क्षेत्र को सभी किस्म की लाल फीता शाही से मुक्त कर तुरंत कर्ज मुहैया कराने से MSME के विकास की रफ्तार को बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों, मैं जानती हूँ कि आपको हमारी स्टोरी बेहद पसंद आई, और नीचे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और इस तरह की बहुत सारी स्टोरी हमसे जानने के लिए हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब।